बाराती ना बैंड बाजा, पीछे मेहमान आगे दुल्हे राजा। कराची के शहरी को तीसरी शादी बहुत महंगी पड़ी। नॉर्थ नाजमबाद में आसिफ के वलीमे में पहली बीवी पहुंच गई। मेहमानों ने दुल्हे की खूब पिटाई की, पुलिस बचाकर थाने ले गई, लेकिन दुल्हा वहां से भागा और बस के नीचे जा घुसा। एक बार फिर मेहमानों के हत्थे चढ़ गया आसिफ लड़कियों की जिंदगियों। हुकूमत आज महंगाई कम करने का ऐलान करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास होगा। महंगाई की वजूहात, माफिया की कारिस्तानियों, आटे चीनी के बहरान पर गौर होगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में लाजमी महंगाई कम करने के ऐलान का ट्वीट किया था। कौमी असेंबली का इजलास भी आज होगा। चीन में महंगाई पर गर्मा गर्म बहस होगी। नून लीग के दो अहम रहनुमाओं के केसेस की समाअत आज होगी। हमजा शहबाज की जमानत का केस लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाएगा। पैरागॉन हाउसिंग स्कीम के केस में साद रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। और कबड्डी वर्ल्ड कप में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला कीनिया से, भारत का सेरा लियोन से होगा। इंग्लैंड और जर्मनी टकराएंगे। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अजरबैजान का सामना करेगा। बाराती ना बैंड बाजा, पीछे मेहमान आगे दुल्हे राजा। कराची के शहरी को तीसरी शादी बहुत महंगी पड़ी। नॉर्थ नाजमबाद में आसिफ के वलीमे में पहली बीवी पहुंच गई। मेहमानों ने दुल्हे की खूब पिटाई की, पुलिस बचाकर थाने ले गई, लेकिन दुल्हा वहां से भागा और बस के नीचे जा घुसा। एक बार फिर मेहमानों के हत्थे चढ़ गया आसिफ लड़कियों की जिंदगियों। हुकूमत आज महंगाई कम करने का ऐलान करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास होगा। महंगाई की वजूहात, माफिया की कारिस्तानियों, आटे चीनी के बहरान पर गौर होगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में लाजमी महंगाई कम करने के ऐलान का ट्वीट किया था। कौमी असेंबली का इजलास भी आज होगा। चीन में महंगाई पर गर्मा गर्म बहस होगी। नून लीग के दो अहम रहनुमाओं के केसेस की समाअत आज होगी। हमजा शहबाज की जमानत का केस लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाएगा। पैरागॉन हाउसिंग स्कीम के केस में साद रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। और कबड्डी वर्ल्ड कप में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला कीनिया से, भारत का सेरा लियोन से होगा। इंग्लैंड और जर्मनी टकराएंगे। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अजरबैजान का सामना करेगा।